नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस एफिलिएट मार्केटिंग जीरो टू हीरो कोर्स के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च की। जनरली कीवर्ड रिसर्च जो है बहुत तरीकों से बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा बताया गया है, लेकिन हर किसी का खुद का एक एक्सपीरियंस होता है कीवर्ड रिसर्च को लेके, और अपने अलग अलग टूल्स वगैरह होते हैं। तो यहां पे प्योरली जो मैं कीवर्ड रिसर्च आपको बताने वाला हूं, ये आपके किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग को जो है आपके एनहेंस करने के लिए नहीं है, रैंकिंग करने के लिए। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग वाली जो वेबसाइट्स हैं, अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो आपके लिए कीवर्ड रिसर्च जो है वो किस तरह से कर सकते हो, क्या चीजों को ध्यान में रख के आपको करना है, तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में नहीं बात करूंगा, यहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप करके किस तरह से बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। सो दोस्तों, इसको मुझे बताने के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ सारी चीजें मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताने वाला हूं। तो डेफिनेटली यहां पे जो है प्रैक्टिकल के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा लैपटॉप स्क्रीन पे, और वहीं चल के देखते हैं कि अगर आपका कीवर्ड रिसर्च जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड रिसर्च की अगर बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वो किस तरह से करा जाता है और किस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर और वहीं चल के देखते हैं। सो हम आगे यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल के ऊपर आपको लिखना है यहाँ पे कीवर्ड रिवीलर। तो ये काफी अच्छा टूल है एज अ एफिलिएट, अगर मार्केटिंग आप कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ पर ये आपका जो इसलिए मैं ये कीवर्ड टूल जो है वो प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, बहुत कम प्राइस के अंदर ये आपको मिल जाता है और काफी अच्छे तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं हमने कीवर्ड रिवीलर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो है आपको लॉग इन करना है, साइनअप करना है, रजिस्ट्रेशन आपके पास ये कीवर्ड होना चाहिए। तो उसके बाद जो है अगर आप ये कीवर्ड टूल जो है खरीदना चाहते हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप अगर पे खरीदना चाहते हो तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जो है आप सीधे कीवर्ड रिवीलर वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहीं से जाके अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं। सो अभी यहां पे हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की, है ना। तो यहां पे हम लेते हैं रेफ्रिजरेटर और यहां पे लिखते हैं प्राइस। अब यहां पे रेफ्रिजरेटर प्राइस लेके जो है हम क्या करना चाहते हैं, ये हमारा एक बनाना चाहते हैं कीवर्ड। तो हम बात करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड की, पहले इसको ही सर्च करते हैं। अब यहां पे लोकेशन जो भी आपकी कंट्री टारगेटेड कंट्री है, तो हम यहां पे इंडिया को ले लेते हैं क्योंकि हम इंडिया के अंदर करना चाहते हैं। तो ये इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहां पे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको जो है ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारी अलग अलग आपको रेफ्रिजरेटर का जो आपने कीवर्ड डाला उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। चीप रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर प्राइस, यहां पे फ्रिज प्राइस भी लिखा हुआ है, फ्रिज फॉर सेल भी लिखा हुआ है। तो हमारा कीवर्ड क्या था, रेफ्रिजरेटर प्राइस। अब यहां पे मंथली वॉल्यूम वगैरह आपने देख सकते हो 49,500 है, और डिफिकल्टी अगर आप जानना चाहते हो यहां पे डिफिकल्टी पे ऊपर आपको यहां पे क्लिक करना है। इवैल्यूएट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी सर्च इंजन वगैरह है वहां से जो है ये रिजल्ट आपको निकल के यहां पे देता है। आप देख सकते हो यहां पे लिख के आ रहा है मॉडरेट कंपटीशन। तो आप ये इस कीवर्ड को यहां तक तो जो है आराम से अगर यूज करना चाहते हो तो आप आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे जो है बेस्ट पाथ इसका क्या है कि अगर आपको टॉप 10, यहां पे देखो गूगल टॉप 10 रैंकिंग, आप ये जो अगर आप ये कीवर्ड को सर्च करते हो तो गूगल के अंदर टॉप 10 ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो टॉप 10 में आ रही है, तो उन सभी के आपको यहां पे यूआरएल मिल जाएंगे, उनकी पेज की अथॉरिटी मिल जाएगी, आपको उनके डोमेन की अथॉरिटी मिल जाएगी, एक्सटर्नल लिंक कितने हैं, यहां पे मौज रैंक कितने वगैरह हैं, यहां पे प्रिंटरेस्ट पे कितना शेयर चल रहा है उसका, यहां पे एफबी वगैरह पे कितना चल रहा है, एफबी शेयर वगैरह कितने हो रहे हैं, ट्विटर के ऊपर कितना चल रहा है, और साथ ही साथ जो अपने
ऑन पेज एसईओ के जो सबसे बड़े थंब रूल्स होते हैं, एक यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड, तो आप देखते हैं यहां पे यस लिखा है, इसका मतलब आपकी ये जो पहला लिंक है इसके अंदर क्या है, आपका यूआरएल के अंदर भी ये कीवर्ड डला हुआ है। टाइटल पे देख सकते हो, टाइटल में भी डला है, डिस्क्रिप्शन में भी डला है, और यहाँ पे एच वन टैग के अंदर भी डला हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको भी ओपन करके देख सकते हो, लेकिन हमारा वो मोटो नहीं है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, यहां पे हमें देखो, यहां पे ऊपर साइड में एक तो डिफिकल्टी मिल गई, दूसरा यहां पे क्या मिल रहा है, कीवर्ड रिसर्च वॉल्यूम लास्ट 12 महीने के अंदर कितना क्या हुआ है, तो वो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पे कीवर्ड रिसर्च ट्रेंडिंग जो है वो भी आपको देखने को मिल रही है कि कब कब कितना कितना। तो ये जो फ्रिज के ऊपर क्या है कि ऑनलाइन ये चीजें बढ़ती जा रही है, तो ये चीजें हो गई। अब यहां पे हम चाहते हैं कि और इसको लॉन्ग टेल के लिए, ये तो शॉर्ट टेल हो गया, लॉन्ग टेल बनाना है तो हम यहां पे लिखते हैं रेफ्रिजरेटर प्राइस लिस्ट इन इंडिया, यहां पे लिस्ट इन इंडिया, तो यहां पे जो है हमने ये लिख दिया। और लिखने के बाद हम यहां पे सर्च करते हैं वापस से रेफ्रिजरेटर प्राइस लिस्ट इन इंडिया। तो जैसे ही हम यहां पे इसको सर्च करते हैं तो जो ये जो है वापस से पूरा एनालाइज करके आपको कीवर्ड से जो है आपकी पूरी डिटेल आपको यहां पे दिखा देगा। सो आप देख सकते हैं यहां पे जो है आपका रिजल्ट, यहां पे हमारा रिजल्ट दिख गया है, यहां पे रेफ्रिजरेटर प्राइस लिस्ट इन इंडिया दिख रहा है। और यहां पे अगर इवेल्युएट करते हैं इसकी डिफिकल्टी को, जैसे आप यहां पे डिफिकल्टी इवेल्युएशन के लिए जो है क्लिक करेंगे तो आपको इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। पहले हमें यहां पे मिला था 37 और अब आप देख सकते हैं यहां पे कितना मिला हमें, 34 जो है यहां पे मिला है, तो ये उससे भी कम है। तो यहां पे क्या है कि आपका कंपटीशन क्या हो गया, और कम हो गया। तो यहां पे टॉप 10 में जो है आपके कौन से चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। तो यहां पे जो टॉप 10 चल रहे हैं उनमें जो है आपका सबसे ज्यादा सारी चीजें किसने फॉलोअप फुल करके रखी है, एक जो है ये pricebaba.com है, तो इसके ऊपर एक यहां पे इसके इससे रिलेटेड एक आर्टिकल डला हुआ है जिसके अंदर यूआरएल के अंदर ये कीवर्ड डला हुआ है, टाइटल के अंदर डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर डला हुआ है, और एच वन टैग के अंदर भी डला हुआ है। यहां पे ये वर्ड जो है कितनी बार 25 टाइम जो है इस्तेमाल करा गया है। और यहां पे जो है एक और वेबसाइट है जिसने फुल यहां पे करके रखा है, जो है आपका ये भी अगेन प्राइस बाबा ही है। और तीसरा जो है यहां पे 91mobile.com है, इसने जो है यहां पे सभी चीजों को यहां पे इस्तेमाल कर रखा है। यूआरएल के अंदर कीवर्ड है, टाइटल के अंदर कीवर्ड है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड है, और यहां पे जो है एच वन टैग के अंदर है। लेकिन यहां पे जो नीचे और भी आपके कुछ चीजें जो है, कुछ वेबसाइटें आपकी रैंक हो रही हैं, तो ये टॉप 10 गूगल के अंदर है। आप देख सकते हैं यहां पे गूगल टॉप 10 रैंकिंग है। तो यहां पर इन्होंने ना तो यूआरएल के अंदर डाला है, ना टाइटल के अंदर डाला, ना डिस्क्रिप्शन में डाला, ना ही एच वन के अंदर डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इससे रिलेटेड जो कोई बना के रखा है, तो इस वजह से वो क्या यहां पे रैंक कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज को यूज करते हो, आप अपने यूआरएल में भी उसको डालते हो, टाइटल में भी डालते हो, डिस्क्रिप्शन में भी डालते हो, और एच वन के अंदर भी डालते हो कीवर्ड को, तो यहां पर जो है आपका वेबसाइट जो है टॉप 10 के अंदर डेफिनेटली रैंक हो जाएगी। क्योंकि बाकियों ने यहां पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने ये जो थंब रूल्स होते हैं ऑन पेज एसईओ के वो यहां पे पूरे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट यहां पे रैंक कर सकती है इस कीवर्ड को लेके। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो भले ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आपका कीवर्ड रिसर्च जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, तभी जो है आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर में काम कर सकते हो। अगर आपका कीवर्ड रिसर्च जो है ज्यादा अच्छे से नहीं करोगे, बिना कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो है आप सीधे डाल दोगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आप बोलोगे एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो काम नहीं करती। सो दोस्तों ये था लॉन्ग टेल कीवर्ड, और कीवर्ड सर्च करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं सारी चीजें आपको डिस्क्लोज करते चलूंगा। सो दोस्तों आई एम श्योर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपने कोई भी सुझाव है या कोई भी आपका सवाल है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।